नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, चाहे सीयूटी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, विश्वविद्यालय के मेन कैंपस के हैं या अफिलेटेड कॉलेज के हैं, एक सूचना थी और आपके लिए एक सहयोग भी था और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि आपका जो सिलेबस है, जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, अलग अलग विषयों का जो सिलेबस है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट हो चुका है। हमारा टेलीग्राम का चैनल जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के नाम से है और कमेंट बॉक्स में उस चैनल का लिंक भी पिन्ड है। अगर आप टेलीग्राम के चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे अबाउट में भी उस चैनल का लिंक पिन्ड है। इसके साथ साथ अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और अभी भी अगर आप व्हाट्सएप से हमारे नहीं जुड़े हैं तो 9452088361 पे आप अपना नाम, अपना कोर्स और अपना कॉलेज लिखकर मैसेज कर दें। अभी भी बहुत ढेर सारी संख्या में छात्र छात्राओं का मैसेज पड़ा हुआ है, उनका नंबर अभी सेव हो रहा है। नंबर सेव करने की प्रक्रिया जब हम पूरी कर लेंगे तब आपके लिए एक अच्छे से ग्रुप का निर्माण करेंगे जिसमें प्राइवेसी बहुत अच्छी रहेगी। लड़कियों के लिए अलग ग्रुप बनेगा, लड़कों के लिए अलग ग्रुप बनेगा। बाकी आप हमसे सीधा भी हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं 9452088361। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि अगर आपका आर्ट्स फैकल्टी है, साइंस फैकल्टी है, कॉमर्स है, लॉ फैकल्टी है, तो हमने सभी विषयों का सिलेबस अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है, आप उसको वहां से देख सकते हैं। इसके बाद अभी जिन विषयों का टेलीग्राम पे सिलेबस नहीं पोस्ट है उनका भी हम पोस्ट करने की कोशिश लगातार करेंगे, लेकिन 20 विषयों का सिलेबस हमने पोस्ट कर दिया है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि अभी आप मेन कैंपस में आ रहे हैं, अभी आप कॉलेज जा रहे हैं, तो अगर आप बहुत लोगों से मिलते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती होंगी। आपसे मैं एक बात पहले से कमिटमेंट कर देना चाहता हूं कि आपको किसी भी चीज़ के लिए कहीं भी भटकना नहीं है। कहीं भटकने के मतलब ये है कि आपको परेशान ही नहीं होना है। सारी चीज़ें आपने इतना अच्छा प्रोवाइड करवाया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये आपका ही है और आपकी ही वजह से सब कुछ है। देखिए, हम किसी के लिए 100% अच्छे नहीं बन सकते। अगर 50 लोग हमारे चाहने वाले हैं तो 50 लोग हमारे विरोधी भी होंगे और हम सबके लिए अच्छे बनने की कोशिश भी नहीं करेंगे, ना हम कभी बन सकते हैं। जो सोचते हैं कि कुछ गलत बोल करके इंसान के विषय में, कुछ बुरा बोल करके किसी के सामने बुराई कर करके अगर उसकी छवि खराब की जाए, तो ये उनका काम है, ये अपना काम बखूबी करते हैं। आप सबको ये देखने को मिल भी रहा होगा क्योंकि अब कुछ ऐसी चीज़ें सामने बाहर निकल कर आ भी रही हैं। लेकिन वही है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। और अगर आपके साथ हमने बहुत सच्ची ईमानदारी के साथ काम किया है, आपके साथ अगर हमने अच्छा व्यवहार किया है, तब हम आपके लिए सही है और आपके सामने हमें कोई कितना भी गलत बोले, हम गलत नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है, परसेप्शन मत बनाइए। परसेप्शन का मतलब होती है धारणा। किसी भी इंसान के विषय में सबसे ज़्यादा जानने से पहले आप उसके विषय में कही सुनी बातों पर बहुत भरोसा मत करिए। दुनिया का काम है बुरा बोलना, दुनिया वाले बुरा बोलते ही हैं और इस पे सबसे ज़्यादा धैर्य आपको रखने की आवश्यकता होती है। हम जैसे पहले से आपका साथ देते आए हैं, वैसे बाद में भी आपका साथ देंगे और इसी चीज़ की चुलबुलाहट सबको मची रहती है कि बच्चे कहीं भटकते नहीं हैं, वो एक प्लेटफॉर्म से सारी चीज़ें पाते हैं और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। सबसे बड़ी ताकत आप हमारी हैं। कोई बहुत स्तर तक बोलता है, बहुत नीचे स्तर तक भी लोग गिरते हैं बोलने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि अगर एक इंसान एक पब्लिक फील्ड में है, मान लीजिए कि हम इतने लोगों का नेतृत्व करते हैं, तो क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, किससे क्या चीज़ें खराब होती हैं, ये हमें बखूबी रूप से पता है, अच्छे से पता है, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे वो लड़के हों। लेकिन जो गलत बोलते हैं वो इतने स्तर तक गलत बोलते हैं कि उनकी कोई सीमा ही नहीं होती, पता नहीं क्या दिक्कत उनको रहती है। आपके सामने भी बहुत कुछ गलत बोलते होंगे, बहुत लोग बहुत अच्छा भी बोलते होंगे, लेकिन वो नज़रिए के ऊपर डिपेंड है, कौन किस तरीके से, किस नज़रिए से सोचता है। अगर इंसान एक पब्लिक फील्ड में है तो उसको पता है कि उसको क्या करना है, उसको क्या नहीं करना है, क्या करने से उसका उसकी बुराई होगी, क्या करने से उसके लिए लोग अच्छे रहेंगे। तो ये बात है, इसको सबको आप बहुत ध्यान में मत दीजिएगा, बहुत इस पर बहुत विचार मत करिएगा। बस आप जैसा हमारे विषय में, अगर हमने आपके साथ अच्छे से ट्रीट किया, अगर हमने आपके साथ सच्ची ईमानदारी के साथ काम किया, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं और हमने आपके साथ अच्छे से बर्ताव किया है, अगर हमने आपका हमेशा साथ दिया है, तो ये आपका साथ हमें भी चाहिए और आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत हों। आपके सिलेबस को हमने पोस्ट कर दिया है टेलीग्राम के चैनल पे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के प्लेटफॉर्म पे। इसके साथ साथ अभी आपको आगे नोट्स भी बताएंगे, नोट्स कैसे बनाए वो भी बताएंगे। जो बुक लिस्ट की जहाँ तक बात है, तो आप अपने टीचर के ही सजेस्ट करे हुए बुक को खरीदिए। आपके क्लास में आपके टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, एक दो दिन, तीन दिन, चार दिन, एक हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन,
रुक के आप किताब को खरीदिए, क्योंकि टीचर आपको बुक सजेस्ट करेंगे। आप एक ही किताब लीजिए लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सीयूटी यूजी की जर्नी में हमने आपके माता पिता से भी वादा किया है कि हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तो हम आपका साथ कभी छोड़ेंगे भी नहीं। आपको किसी भी चीज़ की कोई भी समस्या होगी, कोई भी दिक्कत होगी, पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ आप हमसे बता सकते हैं और हम आपका साथ हमेशा देते रहेंगे। लेकिन आपको भी इस जर्नी में हमारा साथ देना है और आप भी लगातार कदम से कदम मिलाकर काम करिए। एक काम सबसे जरूरी है कि चपक के खूब मेहनत लगा के पढ़िए, खूब मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि आपके माता पिता जब आपको छोड़ करके इस प्रयागराज में गए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू रहे होंगे। जब आप भी घर से निकले होंगे तो आप भी रोए होंगे, आपके घर परिवार वाले भी रोए होंगे, और उस रोने उस आंसू की कीमत आपको चुकानी है। उस माँ बाप का कर्ज आपको उतारना है और इस मातृ संस्था को भी बहुत आगे बढ़ाना है। डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर रहिए, बहुत भटकाने वाले भी लोग आपको मिलेंगे, ये शुरुआत का क्षण है। अगर आप भटक जाएंगे, बहुत लोग कहेंगे कि हम आपको ये बता देंगे, हम आपको वो गाइड कर देंगे, हम आपको ये गाइड, लेकिन हर एक इंसान आपसे कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़ेगा। आपसे उसका स्वार्थ होगा तभी वो आपसे जुड़ेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतने अच्छे शिक्षक हैं, इतनी अच्छी सारी चीज़ें हैं कि आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो नोट्स हो, तो नोट्स हमको खुद बनाना है, हम खुद नोट्स बनाएंगे, किसी की छपी छपाई नोट्स को हम नहीं पढ़ेंगे। तो कोई अगर इस तरीके से आपकी सहायता करना चाहता है तो आप पहले वेट करिए, वॉच करिए, लोगों के इंटेंशन को समझिए, कौन किस इंटेंशन के साथ आपसे बात कर रहा है, कौन किस इंटेंशन के साथ आपसे जुड़ रहा है, और वो क्यों जुड़ना चाहता है, इसको भी आपको सोचना होगा, इसको भी आपको समझना होगा। आप एक अनजान शहर में है, इस अनजान शहर में बहुत जल्दी किसी पर भरोसा करना अच्छी बात नहीं है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अपने माता पिता से रोज बातें करनी है, रोज अच्छे से रहना है, बहुत परेशान नहीं होना है। कॉलेज में हो, अगर आप कैंपस में हो, हम आपसे जरूर मिलेंगे, लेकिन आप उसके लिए परेशान मत होइए, आप हमसे हमेशा जुड़े हैं और हम आपके साथ हमेशा से जुड़े हैं। सिलेबस हमने पोस्ट कर दिया है, वीडियो इस वजह से बना दिया हूँ कि आपको इसकी जानकारी मिल जाए, बाकी आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए।